दोस्तों, मैं आपको प्रिंट मर्ज के बारे में कई तरीके से बताया आपको कि प्रिंट मर्ज कैसे काम करता है। जैसे सीरियल नंबर आपको देना है, ऑटो सीरियल नंबर देना है, तो कैसे देते हैं, चाहे बिल बुक हो या कोई लेबल हो, स्टिकर हो, बारकोड हो या कोई भी चीज़ हो, इस तरीके से आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें सीरियल नंबर जो आता है उसको कैसे देते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं या कैसे पीडीएफ बनाते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, किसी ने मुझसे पूछा है कि एक पेज पर 10 प्रिंट करना है तो उसका सीरियल नंबर आना चाहिए 1 से लेके 10 तक आना चाहिए। दूसरा जो पेज बने तो उस पे जो है 11 से 20 तक, तीसरा बने 21 से 30 तक, इस तरीके से जो है ऐसे बनता रहे। तो हम दिखाते हैं आपको, ये रहा, ये A4 साइज है। अब आपको ये ध्यान देना है कि A4 साइज है। अब जो आपका डिजाइन है, जो आपको A4 साइज पे प्रिंट करना है, मैं सिर्फ A4 की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे जो साइज हो, आपके पास कोई भी साइज का प्रिंटर हो, चाहे 12-18 साइज का प्रिंटर हो, 13-19 का साइज का प्रिंटर हो, उस पर आपको प्रिंट करना है। जैसे सपोज कीजिए 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 1 से 20 तक प्रिंट करना है, तो आपको ये देखना है साहब कि ये जो आपका पेपर है उसमें जो आपने डिजाइन बनाया है वो डिजाइन उस पेपर में 10 पीस यानी 10 अप्स उसके लग सकते हैं या नहीं लग सकते, ये आपको देखना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें प्रिंट होगा 1 से 10। डिजाइन छोटी है, पेज आपका बड़ा है तो उसमें ज्यादा आएगा, तो फिर पता चलेगा 10 के बजाय 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये तय करना है कि जिस पेज पर आपको प्रिंट करना है उसको सीरियल नंबर देना है वो एक पेज पर कितना आ रहा है। जितना आएगा, जितना सेट बैठेगा उतना ही जाके वो सीरियल नंबर बनेगा। जैसे मान लीजिए इस पे आपको 10 करना है, तो पहले आप यही देख लीजिए कि आपको A4 शीट में 10 निकालना है, 10 साइज हमें बनाना है। 10 साइज बनाने के लिए अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका प्रिंटर जो है कितना मार्जिन लेता है प्रिंट करने में, कहाँ तक प्रिंट करता है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख करके, मान लीजिए यहाँ तक आपका लेता है प्रिंटर, तो अब इसके जो है क्या करें आप, इसके 10 टुकड़े बना लीजिए। इधर से मैं 2 कर लेता हूँ और इधर से 5-5 कर लेता हूँ, 10 हो जाएगा ना। तो यहां से कर लेता हूं मैं, पहले एक इसकी कॉपी ले लेता हूं, यहां से कॉपी यानी प्लस प्रेस कर दिए, कॉपी हो गई। यहां से मैंने करके 2, यहां से 2 कर दिए, ठीक है। इधर नीचे वाले मार्के डिवाइड बाई 5 कर देता हूं, ये आपका साइज परफेक्ट बन गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा सा और छोटा कर दें, इधर से भी थोड़ा सा मार्जिन ले लें कटिंग के लिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको बेहतर लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन कैसी है। मान लीजिए परफेक्ट यही साइज है, इसमें सिंगल कट लगना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपको मैं बता दूं, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के टिप्स और ट्रिक्स जो है आप हमेशा मुझसे सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए एक ही कट में आपको लेना है तो आप यही साइज परफेक्ट है, यही साइज आप ले लीजिए। लेने के बाद अब इसको हटाइए, और जैसे मैंने एक लेबल का डिजाइन इसे ले रखा है, तो आपको ये लेबल जो है क्या करना है, इसी में सेट करना है। मान लीजिए अभी मैं खींच तान के बराबर कर देता हूँ, इसी के साइज का बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये हो गया, और सिंगल कट में करना है या सिंगल कट में नहीं करना है, इसके अंदर अंदर में रखना है, हमें कटिंग यहाँ से करना है, आप समझ गए ना, कटिंग हमें इधर इधर से करना है, इसी के अंदर अंदर हमें लेना है। तो आप ये देख लीजिए, इसको आप सेट कर लीजिए, ये हो गया आपका सेट, हो गया, कटिंग हमें यहां से करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे अहम बात मैं बता रहा हूं, इसी के साइज का, जैसे ये बॉक्स है ना, इसी के साइज का, ये इसका साइज ले लिया, यहां से ये साइज ले लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद बाहर क्लिक कर दिया, ये जो पेज का साइज आ गया यहां पर आपने इसको पेस्ट कर दिया, फिर ये यहां से इसको कॉपी किया, इसकी ऊंचाई कॉपी किया, ऊंचाई कॉपी करके इस पेज की ऊंचाई में आपने कॉपी कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया, इसी के साइज का आप पी करके देख लीजिए, इसी के साइज का ये पेज हमारा बन के तैयार हो गया। आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इसको इसे ग्रुप करके पी कर देंगे, इसी के सेंटर में आ गया ये, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि ये वाला साइज A4 में 10 पीस प्रिंट हो जाएगा। अब उसी 10 के मल्टीपल में जितना भी आपको प्रिंट करना है, मैं दिखाता हूं कैसे प्रिंट होगा। यहां पर मान लीजिए सीरियल नंबर देना है आपको, मान लीजिए सीरियल नंबर देना है, यहां पर मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर। इसको भी मैं थोड़ा सा कोई दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, सॉरी यहाँ पर
रेड कर दिया, मैं इसी को चेंज कर दूंगा, इसमें सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे चेंज कर दूंगा। अब मैं चल रहा हूँ फाइल में, फाइल में चलने के बाद यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट मर्ज, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, यहाँ गए वैसे क्रिएट न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे जाइए। अब टेक्स्ट तो लेना नहीं है, यहाँ पे हमें न्यूमेरिक लेना है, तो लिख देता हूँ मैं सीरियल नंबर, इतना करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पे चलिए, यहाँ चलने के बाद जिसे 3 डिजिट का ले लेते हैं हम, 3 डिजिट का ले लिया, इसको हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ करता हूँ 1 कर देता हूँ, अब यहाँ पे कर देता हूँ 100। अब मान लीजिए आपको जितना बनाना है, ये जो 10 के मल्टीपल में लेके चलना है, ये मैंने पहले बता दिया कि पेपर एक शीट में 10 प्रिंट होगा, तो 10 के मल्टीपल में हमें सीरियल नंबर देना है। हमें सीरियल नंबर कितना देना है ये आपको देखना होगा, आपको कितना प्रिंट करना है ये आपको जानना है, 100 करना है, 200 करना है, 400 करना है, जो भी करना होगा आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने 500 दे दिया, ठीक है ना, 500 दे दिया, तो कितना पेज बन जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 पेज बन जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं, 500 दे दिया, अब आके देखते हैं, यहाँ गए, यहाँ देखेंगे 0 01 से लेकर के यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 500 तक ये बना हुआ है। अब नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, फिनिश करने के बाद ये सीरियल नंबर, यहाँ पे फील्ड में सीरियल नंबर लिखा है, इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पर इसको एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ये वाला टूल ले लिया, मतलब टेक्स्ट टूल ले करके इसको Ctrl+A कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड यहाँ ऐसे कर दिए, बस हो गया काम हमारा, अब हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, प्रिंट टू न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कि आपको PDF बनाना है, ये आपको देखना PDF बनाना है तो यहाँ से ले सकते हैं, या आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है तब भी यहाँ से आप ले सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट करना है, चलिए मैं पहले ये वाला बना के दिखा देता हूँ, ये वाला बना के दिखा देता हूँ, प्रिंट टू न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ऐसे गए, इसको देखेंगे तो ये 50 पेज बन जाएगा, यहाँ देखेंगे ऐसे ऐसे करके ये 50 पेज नहीं बल्कि 500 पेज बन गया, ये हमें 500 पेज नहीं बनाना है। इसमें भी अगर मान लीजिए इस तरीके से 500 पेज बन भी गया है, तो आप अगर चाहें तो यहीं से कमांड दे करके इसको 10 10 करके आप जो है आगे इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगी दुश्वारी थोड़ी सी, तो यहाँ पे ये ना करके आप इसको ऐसे करें, अब इस वाले में दोबारा चलें, ये अनटाइटल में दोबारा चलते हैं, अब यहाँ पे परफॉर्म प्रिंट मर्ज, हमें यही वाला करना था। अब यहाँ आपको देखना है कि आपके पास प्रिंटर कौन सा है, जैसे मेरे पास प्रिंटर ये वाला है, ये वाला प्रिंटर ले लिया। अब आपको चलना है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में चलना है, ये सेकंड नंबर पर ऊपर से सेकंड नंबर यहाँ चलना है, यहाँ चलने के बाद इसको इसे मैंने ऐसे कर दिया, अपने आप पेज जो है पलट गया, इसमें 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 से लेकर के 10 तक इसमें हो गया। अब इसमें गैपिंग देने की जरूरत नहीं, अगर चाहें तो इसमें गैपिंग दे सकते हैं, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कोई वैल्यू दे देंगे, यहाँ जो है गैपिंग हो जाएगी, राइट। और यहां भी अगर देना है इधर भी गैपिंग दे सकते हैं, यहाँ पर गैपिंग देने का मतलब है कि हमें डबल कट मार्क चाहिए तब हम देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ चलेंगे इस वाले टूल पर, यहाँ चलने के बाद यहाँ पर दे देंगे, यहाँ ये कट मार्क दे देंगे, कट मार्क देने के बाद देख लीजिए किस तरीके से कट मार्क लग गया। और एक चीज और भी देख लीजिए, अब सीरियल नंबर भी आप देखते चलिए, यहाँ पर 001 002 003 4 ऐसे ऐसे करके ये कितना आ गया है, 10 आ गया, एक पर 10 आया ना। अब दूसरा देखिए 50 पेज बना है कि नहीं बना है, अब दूसरे पेज पर चल रहे हैं, दूसरे पेज पर ऐसे देखते आएंगे, लास्ट में ये 0 020 है ये, अब अगले पेज पर देखेंगे 0 030 है ये, मतलब सीरियल से ही है ये, सीरियल से। फिर अगले पर देखेंगे 0 040 है, फिर अगले पर देखेंगे 0 050 है, इस तरीके से 50 पेज बना हुआ है, एकदम लास्ट में चल के दिखाता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे लास्ट में पहुंच जाएंगे, यहाँ देख लीजिए 50 लिखा हुआ है, 499, लास्ट में 500, सॉरी 50 नहीं 500 लिखा है, ये 500 हो गया, ठीक है ना। तो 1 पर 10 आ रहा है ना, तो आराम से आप प्रिंट कमांड दे दीजिए, आपका सामने आ जाएगा, यानी 50 पेज निकल जाएगा, उसमें 500 आपको मिल जाएगा, ये समझ गए ना, इस तरीके से निकलता है, कितना आसान है यार, आपका काम कितना आसान कर देता हूँ मैं, लेकिन आप मेरा ख्याल नहीं करते। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में भी रिकमेंड कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ओके, शुक्रिया, थैंक यू।